क्या आप जानते हैं कि लिबनानी निजात परफॉर्मर और मशहूर तरीन डांसर मिस गनवा वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बहू कैसे बनी? गनवा की मीर मुर्तजा भुट्टो से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी और पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भी गनवा ने मुर्तजा को अपना जीवन साथी क्यों चुन लिया? गनवा की जानिब से अपने शोहर के कत्ल की FIR में नामजद आसिफ जरदारी को पुलिस वालों ने क्यों छोड़ दिया? क्या आप जानते हैं कि 1997 के जनरल इलेक्शन में जब गनवा भुट्टो ने अपनी सास बेगम नुसरत भुट्टो को चैलेंज करते हुए उनके खिलाफ लाड़काना में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, इस कांटेदार मुकाबले का रिजल्ट क्या निकला था? क्या ये सच है कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो की जायदाद पर कब्जा कर रखा है? और हाँ, गनवा भुट्टो का इकलौता बेटा और भुट्टो खानदान का इकलौता वारिस जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर क्या वाकई हम जिन्स प्रस्त है और वो अमेरिका में क्या कुछ करता फिरता है? तो जनाब, आज की वीडियो में भुट्टो साहब के बड़े बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो की बेवा और शहीद भुट्टो ग्रुप की चेयरपर्सन मोहतरमा गनवा भुट्टो के मुकम्मल सियासी करियर और उनकी ज़ाती ज़िंदगी की अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूँ किंजा फरमान। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। सो लेट्स बिगिन। गनवा की पैदाइश साल 1962 में लिबनान में हुई। इब्तदाई तालीम बैरूत से हासिल करने के बाद उन्हें बैरून मुल्क में स्टडीज़ का मौका मिला और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर्स मुकम्मल किया। जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े साहबजादे मीर मुर्तजा भुट्टो की गनवा भुट्टो से पहली मुलाकात कब हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अमूमी राय तो यही है कि दोनों की मुलाकात अरब मुल्क शाम की कैपिटल दमिश्क में हुई। मुर्तजा भुट्टो की पहली शादी अफगानिस्तान में जिलावतनी के दौरान वहां के एक सरकारी ऑफिसर की बेटी फौजिया फसीहुद्दीन से हुई थी और 29 मई 1982 को अफगानिस्तान की दारुलहुकूमत काबुल में उनकी बेटी फातिमा भुट्टो पैदा हुई। हमारे चैनल पर मुर्तजा के भाई शाह नवाज भुट्टो की बायोग्राफी वीडियो में आपको बताया गया था कि उनकी बीवी रिहाना फसीहुद्दीन फौजिया की बहन थी। शाहनवाज के कत्ल के इल्ज़ाम में जब रिहाना को फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर रिएक्ट करते हुए मुर्तजा ने रिहाना की बहन फौजिया को तलाक दे डाली। फौजिया की अलहदगी के बाद मुर्तजा भुट्टो ने अपनी एक साला मासूम बेटी फातिमा को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। चूँकि अफगानिस्तान अब उनके लिए महफूज नहीं रहा था, लिहाजा जुल्फकार अली भुट्टो के फर्जंद अपने वालिद के दोस्त हाफिजुल असद की दावत पर दमिश्क शाम आकर रहने लगे। बताया जाता है कि दमिश्क में लिबनानी निजाद गनवा फातिमा भुट्टो की डांस टीचर थी। बहुत जल्द मुर्तजा और गनवा में कुर्बतें बढ़ीं और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के वक्त मुर्तजा भुट्टो 35 जबकि गनवा 27 साल की थी। गनवा ने फातिमा भुट्टो को हकीकी माँ का प्यार दिया और यही वजह है कि आज भी फातिमा अपनी सुतीली माँ के साथ खुशी खुशी रहती हैं। बेनजीर भुट्टो की वजारत उज़्मा के पहले टेन्योर में मीर मुर्तजा भुट्टो की वतन वापसी हुई जहां उनके साथ गनवा भुट्टो भी मौजूद थी। कराची एयरपोर्ट पर बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने बेटे और बहू को रिसीव किया। एयरपोर्ट पर बेगम नुसरत भुट्टो ने अखबार नवीसों को सिर्फ ये बताया कि गनवा मुर्तजा की बीवी है। दोस्तों, ये था गनवा से पाकिस्तानियों का पहला तारुफ। पाकिस्तान में गनवा भुट्टो को अल्लाह ने औलाद से सरफराज किया। मुर्तजा ने अपने जिगर गोशे का नाम अपने वालिद जुल्फकार अली भुट्टो की निस्बत से जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर रखा। मुर्तजा भुट्टो की पाकिस्तान वापसी के बाद भुट्टो ख़ानदान दो हिस्सों में बट गया। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी एक तरफ थे जबकि मुर्तजा और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो दूसरी तरफ। ऐसे हालात में मुर्तजा भुट्टो ने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा जिसमें उनकी अहलिया गनवा ने शबो रोज़ मेहनत की और वह कॉर्नर मीटिंग्स में शरीक हुआ करती। उन्होंने ये इलेक्शन जीता और सिंध असम्बली के रुकन बने, लेकिन 1996 में मुर्तजा भुट्टो अपनी बहन के दौरे हुकूमत में एक पुरस्रार पुलिस मुकाबले में मौत के घाट उतार दिए गए। तब गनवा भुट्टो ने FIR में आसिफ अली जरदारी को नामजद किया था। मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के इल्ज़ाम में मिस्टर जरदारी को हथकड़ी लगी, लेकिन बहुत जल्द अदम सबूत पर उन्हें रिहाई मिल गई। अपने शोहर के कत्ल के बाद गनवा भुट्टो चाहती तो शाम, लिबनान और किसी और मुल्क में मज़े से ज़िंदगी गुजार सकती थी,
लेकिन गनवा वफा का पैकर बनी रही और उन्होंने पाकिस्तान रहने को तरजीह दी। 1997 के जनरल इलेक्शन में गनवा भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप ने पूरे मुल्क से बिलअमूम और सिंध से बिलखसूस अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। जैकबाबाद से शहीद भुट्टो ग्रुप के मीर हजार खान बजरानी ने कामयाबी हासिल की और वो MNA बनकर इस्लामाबाद के पार्लियामेंट तक पहुंचे। याद रहे कि मोहतरमा गनवा भुट्टो ने तब अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा था। अपने ससुर जुल्फकार अली भुट्टो के हल्का इंतखाब NA 164 लाड़काना से मुक्के के निशान से इलेक्शन लड़ने वाली गनवा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल कोई और नहीं बल्कि उनकी सास बेगम नुसरत भुट्टो थी। ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने को था। मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल को अभी 4 महीने ही गुजरे थे। बेनजीर भुट्टो अपनी वालिदा की कैंपेन में मसरूफ थीं जबकि 35 साल गनवा भुट्टो अपने मरहूम शोहर के नाम से वोट मांग रही थीं। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो गनवा भुट्टो के 20,528 वोटों के मद्दे मुकाबिल नुसरत भुट्टो के बैलेट बॉक्स में 39,045 वोट पड़े और यूं सास के हाथों बहू रानी को शिकस्त हुई। मोहतरमा गनवा भुट्टो ने लाड़काना के दूसरे हलके से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था जहां वो पीपल्स पार्टी के शब्बीर अहमद चांडियो के 35,000 वोटों के बदले में 24,000 वोट हासिल कर पाई और रनर अप रहीं। 2008 में भी उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा लेकिन वो पीपल्स पार्टी के शाहिद भुट्टो से मात खा गई। 2013 के आम इंतखाबात में लाड़काना वाले हलके से पीपल्स पार्टी ने आसिफ सरदारी की बहन फरियाल तालपुर को नेशनल असम्बली का टिकट दिया तो उनके मुकाबले में मोहतरमा गनवा भुट्टो सामने आई। जुल्फकार अली भुट्टो की बहू मीर मुर्तजा भुट्टो की बेवा और बेनजीर भुट्टो की भाभी बीबी गनवा भुट्टो और फरियाल तालपुर के मार बहन होने वाले इस कांटेदार मुकाबले की मीडिया में बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी। खैर इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मुक्के के निशान से लड़ने वाली गनवा भुट्टो फरियाल तालपुर के 83,916 वोटों के बदले में 28,191 वोट ही हासिल कर पाई और यूं गनवा भुट्टो को मुसलसल तीसरी मरतबा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदा सलामत बेटी सनम भुट्टो जो गनवा भुट्टो की नंद हैं उन्हें अपने वालिदान की विरासत और जायदाद में से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। जुल्फकार अली भुट्टो की सारी प्रॉपर्टी मुर्तजा भुट्टो के पास थी जो अब उनकी बेवा गनवा भुट्टो के कब्जे में है। एक मौका पर जब सहाफियों ने सनम भुट्टो से सवाल पूछा कि आप सियासत में कब आने वाली हैं तो उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय अपनी भाभी गनवा की शिकायतें करना शुरू कर दी। उनके बकौल जुल्फकार अली भुट्टो के लाड़काना और कराची के रिहायशी बंगले अलमुर्तजा हाउस और 70 क्लिफ्टन गनवा भुट्टो के जेर इस्तेमाल हैं जबकि लाड़काना नोडेरो में करीबन 4,000 एकड़ पर मुश्तमिल भुट्टो स्टेट का इंतज़ाम पहले बेनजीर भुट्टो की निगरानी में था जो उनकी शहादत के बाद गनवा ने संभाल लिया। याद रहे कि सनम भुट्टो ने कराची हाईकोर्ट में जायदाद की विरासत तकसीम का एक दावा भी दायर किए रखा था लेकिन उन्हें इंसाफ ना मिल सका। जबकि गनवा भुट्टो और उनकी बेटी फातिमा भुट्टो का दो टोक मौकफ ये है कि भुट्टो के असल वारिस वो हैं। तब पीपल्स पार्टी के एक जाले रहनुमा ने गनवा भुट्टो को आईना दिखाते हुए ये बयान दिया था कि तुम लोग 70 क्लिफ्टन के मकीन तो हो सकते हो अलबत्ता भुट्टो की सियासत और उसके नज़रिए की अमीन नहीं। गनवा भुट्टो इस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ हैं। अप्रैल 2019 को एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था बिलावल जितनी भी कोशिश कर ले वो भुट्टो नहीं बन सकता। तब उनके खिताब के दौरान फातिमा फातिमा के नाम के नारे लगते रहे। ताहम फातिमा भुट्टो खुद को सियासत से अलग रखती हैं। 70 क्लिफ्टन साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो की रिहाइश का था जहां अब गनवा भुट्टो अपनी सौतेली बेटी फातिमा के साथ रहती हैं जबकि गनवा का हकीकी बेटा और भुट्टो खानदान का इकलौता वारिस जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर अमेरिका में सेटल्ड है जहां वो आर्ट थिएटर परफॉर्म करता है। जूनियर भुट्टो पर हम जिंस प्रस्त होने के इल्जाम भी लगते रहे हैं लेकिन उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। तब ऐसा कहा गया कि वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो का इकलौता पोता नामर्द निकला और उनका खानदान अब आगे नहीं बढ़ सकेगा। गनवा भुट्टो के साहिबजादे जूनियर भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हमारे खानदान की सियासी शख्सियत को
चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। मैं जिनसी नज़रियात के हवाले से अपनी राय रखता हूँ और खुलकर अपनी बात करता रहूँगा। गनवा भुट्टो खुद को मीडिया से दूर रखती हैं, यही वजह है कि आपने उन्हें शायद ही कभी टीवी स्क्रीन पर देखा हो। उनके ट्विटर पर 18,000 के करीब फॉलोवर्स हैं। उन्हें ट्विटर पर फॉलो करने वालों में डॉक्टर शाहिद मसूद, रजा रूमी, मुर्तजा सोलंगी, मारवी मेमन, जमायमा गोल्ड स्मिथ और आसमा शिराजी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मीर मुर्तजा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। शाहनवाज भुट्टो की बेटी ससी भुट्टो की कहानी के लिए यहाँ नीचे और मुर्तजा भुट्टो के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।